बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्रोग्रामिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डॉगर। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्रॉपर मिलती रहे। जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में एक बेल शेप का बटन जो है ना अपीयर होगा, उस पर भी आपने लाजमी क्लिक कर देना है। मेरे चैनल का जो एड्रेस है वो है जी www.youtube.com/sabdardogar। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को हम सी प्लस में कैसे यूज करते हैं, वेरिएबल्स को बनाते कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। ए वेरिएबल इज ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन ओवर मेमोरी सेल, यानी कि मेमोरी के अंदर कोई जो लोकेशन होती है या कोई मेमोरी का एक सेल होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा। जो हम प्रोग्राम के अंदर इनपुट दे रहे होते हैं, वैल्यू दे रहे होते हैं, तो उनकी जो इनपुट स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल मे चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल की जो वैल्यू है ना एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के, वो चेंज होती रहेगी। मीन कि अगर मैंने एक वेरिएबल के अंदर 5 वैल्यू स्टोर कराई है तो आगे जाके मैं उसकी वैल्यू को जो है ना उसकी जगह पे 5 की जगह पे 10 भी स्टोर करा सकता हूँ, या 5 में मैं कुछ वैल्यू नहीं ऐड करके उसकी वैल्यू को चेंज भी करवा सकता हूँ। तो वेरिएबल की वैल्यू एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज होती रहेगी। हाउएवर द नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज, जबकि वेरिएबल का जो नेम है ना वो चेंज नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू 5, 5 की वैल्यू जो है ना वो चेंज होती रहेगी लेकिन ए का नेम जो है ना वो चेंज नहीं होगा। द वेरिएबल इज क्रिएटेड इन रैम। वेरिएबल हमेशा रैम के अंदर क्रिएट होते हैं क्योंकि ये टेम्प्रेरी होते हैं। रैम इज ए टेम्प्रेरी मेमरी, दैट इज वाई द डाटा स्टोर्ड इन वेरिएबल इज ऑल्सो टेम्प्रेरी। अब रैम में ये वेरिएबल क्रिएट हो रहे हैं। रैम जो है ना हमारी क्या होती है, टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, जिसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। मीन कि जब तक आपका जो प्रोग्राम उसके अंदर लोड है तो वो डाटा होल्ड रखेगी, जैसे प्रोग्राम उससे बाहर निकलेगा डाटा जो है ना वो उससे लॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए जो उसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे वो भी क्या होंगे, टेम्प्रेरी ही कहलाएंगे। यानी कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो परमानेंट नहीं होगी, वो टेम्प्रेरी वैल्यू होगी। इट कैन ओनली बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। हम सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू को यूज करेंगे या किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अंदर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बस। द डाटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन द प्रोग्राम एंड। जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड होगा, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। तो ये तो थी वेरिएबल की डेफिनेशन। तो उम्मीद है कि आपको इस डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब वेरिएबल जो है ना, समझ ले कि मैं कहता हूं वेरिएबल ये मेरा एक बॉक्स है जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स। अब मेरे वेरिएबल का नेम जो है ना वो एक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा आपका एक्स जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा। अब वेरिएबल जो है ना मेमोरी के अंदर कैसे होल्ड करेंगे। अब मेमोरी हमारी क्या होती है, पीस ऑफ मेमोरी है। जैसे उसके अंदर 25 जो है ना वो बॉक्सेस है। अब मैं कहता हूं कि ये वाला जो है ना बॉक्स है ना मेरा, ये मेरा नेम ऑफ द वेरिएबल है। अगर मैं इसको रोज एंड कॉलम के लिहाज से देखूं तो ये मेरी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम है, 3 × 1, यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर मेरा एक वेरिएबल जो है ना मैंने डिक्लेयर कर दिया, जिसका मैं एड्रेस कहता हूं 10323 है। तो जो भी वेरिएबल आप किसी रैम के अंदर यानी कि क्रिएट करेंगे उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा, जिसको अंदर जिसको हम आगे वाले लेक्चरों में पॉइंटर के अंदर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने इस बात पे जोर नहीं देना कि ये एड्रेस क्या होते हैं, आपने अभी सिर्फ ये देखना है कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को हम क्रिएट कैसे करते हैं और वेरिएबल हमारे कहां क्रिएट होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे, वेरिएबल को बनाएंगे कैसे। तो उसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स उसका ये है, डेटा टाइप्स स्पेस वेरिएबल्स का नेम आ जाएगा और उसके एंड पे हम यहां पे लगा देंगे एक सेमीकॉलन जो है ना वो लगा देंगे। तो ये था वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका का। तो यानी कि डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम और एंड पे सेमीकॉलन। अब डेटा टाइप हमें पता है 4 तरह के डेटा टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है एंड करेक्टर है। तो एग्जाम्पल आ जाएगा इंट मार्क्स, उसके बाद फ्लोट एवरेज, डबल सैलरी, करेक्टर यानी कि 4 ग्रेड। अब इसमें इंटीजर, फ्लोट, डबल, करेक्टर ये तो हमारे डेटा टाइप्स हैं, जबकि मार्क्स, एवरेज, सैलरी एंड ग्रेड जो है ना ये हमारे क्या है, वेरिएबल के नेम्स है। और हर वेरिएबल्स के नेम के एंड पे हम सेमीकॉलन जरूर प्लेस कर देंगे। ये तो एक तरीकाकार है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। उसके बाद ये होता है कि अगर आपने वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल एक ही टाइप के क्रिएट करने हैं तो उसके लिए तरीकाकार होता है इंटीजर a, b, c। यानी कि मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने थे,
एक ए जिसका नाम ए था, एक का नाम बी था, एक का नाम सी था, लेकिन सबकी डेटा टाइप क्या थी, इंटीजर थी। अब एक तो तरीका कार क्या है कि इसको मैं ना लाइन बाय लाइन यानी कि डिक्लेयर करूं, तो इसके लिए अब यानी कि लाइन बचाने के लिए आपको कहते हैं मैनी वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप कैन आल्सो बी डिक्लेयर इन सिंगल लाइन, इन दिस केस ईच वेरिएबल इज सेपरेटेड बाय कॉमा एज वेल। अब देखा ना, मैं इसकी मिसाल देता हूं, मेरे पास स्टूडेंट तीन स्टूडेंट है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। अब तीनों ने ना सी प्लस पढ़नी है। एक तो तरीका कह रहा है कि 15 मिनट में पहले ए को पढ़ाऊं, फिर 15 मिनट में बी को पढ़ा दूं, फिर 15 मिनट में सी को पढ़ा दूं, तो ये तो एक लेंथी तरीका हो जाएगा। बजाय इसके कि मैं क्या करूंगा, तीनों को इकट्ठा पढ़ाऊंगा और 15 मिनट में मैं वही जो टॉपिक है ना उनको एक दफा पढ़ा दूंगा। तो यही तरीका कार हो जाएगा कि अगर आपके वेरिएबल एक ही टाइप के हैं तो उनको आप एक ही लाइन में जो है ना वो क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आप थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करते हैं वेरिएबल को, हम देखते हैं कैसे बनाते हैं, कैसे हम इनको यूज यहां पे करेंगे। इंक्लूड यहां पे लिखते हैं जी, उसके बाद आ जाएगा आयो स्ट्रीम, उसके बाद आ गया जी यूजिंग स्पेस एस्टेट, मेन का फंक्शन यहां से स्टार्ट करते हैं जी। अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं इंट ए। अब इस मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और उसके बाद उसकी जो नेम है वो क्या आ जाएगा, नेम ऑफ वेरिएबल एंड पे सेमीकोलन। अब ये जो मेरी लाइन है ना ये मुझे इंडिकेट कर रही है कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम ए है और उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अब इसके अंदर जो वैल्यू मैं स्टोर कराऊंगा वो इंटीजर टाइप की होगी। मैं कहता हूं ए इज इक्वल टू 10। अब ए के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो गई है, 10 वैल्यू स्टोर हो गई है। तो मैं इसको डिस्प्ले कराता हूं सी आउट, मैं यहां पर लिखता हूं द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ ए। तो यहां पर मैं ए को लिख दूंगा और यहां पर एंड लाइन को डिक्लेयर करके यहां पे मैं सेव करके इसका नाम देता हूं 03 लिख देता इसका। तो इसको मैं कंपाइल रन करता हूं तो ये आ जाएगा जी, इसकी आउटपुट देते हैं द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10 आ गई है। अब ये था तरीका का था कि वेरिएबल की वैल्यू को शो कैसे कराते हैं, यानी कि सी आउट उसके बाद डबल लेस देन, जो मैंने मैसेज साथ में डिस्प्ले कराना वो मैसेज आ जाएगा, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू अगर आपने शो करानी है तो उसको आपको डबल कोट के बगैर लिखना पड़ेगा। अगर मैं ए को भी डबल कोट के अंदर लिख दूंगा तो ये सेम एज इट इज उसको ए को शो कर देगा, जबकि मुझे द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए, जबकि मुझे ए को शो नहीं कराना, मैंने ए के जो अंदर वैल्यू पड़ी हुई है ना उसको शो कराना है, तो फिर मुझे इसको डबल कोट के बाहर लिखना पड़ेगा। अब डबल कोट के बाहर लिखना है तो इसको जोड़ना पड़ेगा, कंकैटिनेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे डबल लेस देन का ऑपरेटर जो है ना वो यूज करना पड़ेगा। तो ये देखिए, अब इसको दोबारा रन करता हूं तो ये मेरे जो आउटपुट आ गई है जी, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू कॉलन 10 आ गया। अब मैं इसको वैल्यू एक और देता हूं, मैं कहता हूं जी ए इज इक्वल टू, यहां पे करता हूं 12। अब मैंने एक नई वैल्यू दे दी है तो अब जो वैल्यू शो होगी ना वो मेरी शो होगी ए इज इक्वल टू 12 शो होगी। अब मेरी यहाँ पे समझ लें कि दूसरी वैल्यू जो है ना 10 शो नहीं होगी, यानी कि लेटेस्ट वैल्यू शो होगी, यानी कि एक वक्त में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर होगी और इसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज होती रहती है। और यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, तो अब इसका रिजल्ट जो है ना वो आएगा 17, इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्यों, ए की वैल्यू कितनी है 12 है और 12 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 17 शो हो जाएगा। ये तो था व्यूवर्स तरीकाकार के वेरिएबल को आप बनाते कैसे हैं, वेरिएबल को आप सी प्लस प्रोग्राम के अंदर यूज कैसे करेंगे। तो इसके ये वेरिएबल बनाने का तरीका, ये वेरिएबल हम थ्रू आउट हम बनाते रहेंगे या वेरिएबल को हम यूज करते रहेंगे आने वाले लेक्चरों में भी। तो अगर यहाँ पे मैंने अभी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, अगर मैं यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे फ्लोट टाइप का अगर मैंने एक वेरिएबल लेना है तो वो भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ फ्लोट, मैं उसका नाम देता हूँ जी ए वी जे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ए वी जे इज इक्वल टू 5.8। तो यहाँ मैं सी आउट एवरेजेस कॉलन और उसके बाद आ जाएगा ए वी जे और यहाँ पे एंड लाइन का फंक्शन यूज कर लेता हूँ। नेक्स्ट करते हैं तो स्पेस नहीं आएगा दरमियान में, ये देखें द एवरेज इज 5.8, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10। मीन के जो स्टेटमेंट हम पहले लिखेंगे वो पहले डिस्प्ले हो जाएगी और जो बाद में लिखेंगे वो बाद में डिस्प्ले हो जाएगी। अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट को मैं कॉपी करके कट करके नीचे लिख दूंगा तो अब पहले ऊपर वाली स्टेटमेंट जो है ना वो शो हो जाएगी और नीचे वाली स्टेटमेंट बाद में। द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू
10 आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ एवरेज इज 5.8 आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन जेन में रेज हो रहा है तो उसको कमेंट्स में डाल दें, मेरे चैनल को प्रॉपर सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, और मेरी वीडियो को आगे लोगों को शेयर भी करें ताकि लोग उससे भी फायदा उठा सकें और ताकि उसको उनको भी प्रोग्रामिंग में कोई फायदा हो सके। तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ओके बाय।